अब घर बैठे इंग्लिश TGT क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। UP TGT PGT की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918 पर। अब घर बैठे इंग्लिश TGT क्वालिफाइड बिस्वानी सर से करिए। UP TGT PGT की संपूर्ण तैयारी। ज्वाइन करने के लिए आज ही डाउनलोड करिए बिस्वानी क्लासेस ऐप या सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल बिस्वानी क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए कॉल या मैसेज करें 7023030918। वेरी गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत प्यारी सी शाम की एक बहुत बढ़िया कांग्रेचुलेशंस। आ जाइए फटाफट, फोन ऑन मत किया करिए भाई, क्लास के समय पे तो कम से कम फोन मत किया करिए। क्लास के समय में बेटा थोड़ा बक्स दिया करिए, और जबकि आप जानते हो कि 6 बजे क्लास होती है, तो 6 बजे क्यों फोन लगाते हो? डांट खानी है तो 6 से 8 के बीच में फोन लगाया करो, ठीक है? और फोन तब लगाएं जब अति आवश्यक हो। डिस्कशन का ग्रुप है आपके पास, उसमें बढ़िया डिस्कस करिए चीजों को, कहीं कोई समस्या आने नहीं देते हम अपनी तरफ से। तब भी कोई समस्या आती है देन कॉल लगाएं, ठीक है ना? और दिन में लगाएं कॉल तो अच्छा लगेगा मुझे। शाम के समय में तो क्लास का समय होता है। वेरी गुड इवनिंग आंचल, हिमांशु, दृशिका और सभी को। दीक्षा है ये, अनम अंसारी, विवेक कुमार भैया, शीला गंगवार और बहुत सारे लोग, चंचल मिश्रा भी आज क्लास में दिख रही है, मस्तराम वर्मा जी, सभी को बहुत बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं इस प्यारी सी शाम की। जाकिर भैया गुड इवनिंग, प्रतिभा चौरसिया गुड इवनिंग। तो अभी तक हमने एक सेंटेंस के पूरे स्ट्रक्चर को समझा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट में डिफरेंस सब कुछ समझा। फिर हमने ये समझा कि एक नाउन किसी सेंटेंस में किस तरह से काम कर सकता है और कहां कहां वो उपस्थित हो सकता है। एक नाउन किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है। सब्जेक्ट कौन कौन हो सकता है? नाउन ही होगा वो सब्जेक्ट होगा, तो नाउन फ्रेज होगा, नाउन क्लॉज होगा। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं नाउन के बारे में भी, जितनी इंट्रोडक्शन में पढ़नी चाहिए थी। दूसरे नंबर पर इंट्रोडक्शन हम लेके आ रहे हैं डिटरमिनर का। आपके दिमाग में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि डिटरमिनर एक्चुअली होता क्या है, तो डिटरमिनर को आज हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि डिटरमिनर क्या है। किसी भी सेंटेंस में अगर हम कोई कॉमन नाउन सब्जेक्ट बनाते हैं, अगर किसी सेंटेंस में इफ अ कॉमन नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस ऑफ द सेंटेंस then it needs, तब इसको चाहिए होता है क्या? a determiner, a determiner to determine it,
टू डेटर माइन इट बिकॉज कॉमन नाउंस आर मेनी, नाउंस आर मेनी एंड यू हैव टू डिटरमाइन विच और व्हाट यू आर referring to. ये होता है determiner. ये हमारा क्या हो गया, determiner हो गया. Common nouns are so many. ये commonly पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं. तो जितने भी common nouns जहां भी use होते हैं, तो हमें उस sentence में किस common noun की, उन ढेर सारे common nouns में से किस common noun की बात कर रहे हैं, ये बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है उसी को हम डिटरमिनर कहते हैं. एडजेक्टिव उसे मॉडिफाई करता है, उसकी पूर्व अवस्था में कुछ और ऐड करके बताता है. डिटरमिनर सिर्फ इतना बताता है कि जिस कॉमन नाउन की आप बात कर रहे हो एक्चुअली किसकी बात कर रहे हो. क्या माय ब्रदर की बात कर रहे हो, या आवर ब्रदर की बात कर रहे हो, सम ब्रदर की बात कर रहे हो, सम बॉय की बात कर रहे हो, एनी बॉय की बात कर रहे हो, लिटिल बॉय की बात कर रहे हो, या अ लिटिल बॉय की बात कर रहे हो. तो ये जो अ है, द है, सम है, एनी है, ये सब एडजेक्टिव हैं, क्योंकि ये लगते हैं नाउन के लिए. नाउन के लिए जो भी यूज किया जाएगा वो सब एडजेक्टिव कहलाएगा. तो ये जितने भी एडजेक्टिव्स हैं, मैं कह रहा हूं, चाहे वो अ हो, चाहे वो द हो, चाहे वो सम हो, चाहे वो एनी हो, चाहे वो एन हो, चाहे वो लिटिल हो, चाहे वो फ्यू हो, चाहे वो माई हो, चाहे वो हिज हो, चाहे वो हर हो, ये जितने भी हमने बोले हैं एडजेक्टिव्स हैं सब के सब. लेकिन ये डायरेक्ट जब किसी कॉमन नाउन के पहले लगते हैं तो ये उसे डिटरमाइन करते हैं कि ढेर सारे नाउन्स जो उस वैरायटी के हैं उनमें से मेरे इस सेंटेंस में जिसको मैं रेफर कर रहा हूं वह एक्चुअली कौन है, कितना है, ये बताता है ये. तो सीधे हम अगर कहें बॉय, तो ये जब हम अकेला बॉय लिखते हैं तो ये सही है, ये एक कॉमन नाउन है. अब अगर बॉय का मतलब हो गया लड़का, तो अब यहां हम पर्टिकुलरली तो नहीं कह रहे हैं किस लड़के की बात में कर रहा हूं. आई एम नॉट रेफरिंग एनी पर्टिकुलर बॉय. आई एम सेइंग बॉय, I'm just telling boy, boy केवल मैंने कहा. तो boy कहने का मतलब है मैं नहीं बता पा रहा हूं कि किस लड़के की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये भी लड़का, वो भी लड़का, वहां भी लड़का, वो भी लड़का देख रहा, वो भी लड़का है. दुनिया भर में जितने उस कैटेगरी में आते वो सब जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन यानी बहुत सारे हो गए. तो आपको तो बताना पड़ेगा कि इस सेंटेंस में जो आप लिखने जा रहे हो This is के बाद आप यहां boy लिखने जा रहे हो, तो आपको यह बताना पड़ेगा कि आप किसकी बात कर रहे हो. This is some boy की बात करो, any boy की बात करो, little boy की कर रहे हो, या a boy की कर रहे हो, या the boy की कर रहे हो. आपको ये बताना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि ढेर सारे उन कॉमन नाउन्स में आप किसी एक ऐसे बच्चे की बात कर रहे हो आ लगा करके, जिसके बारे में आप निश्चित रूप से नहीं जानते वो कौन है, बस उसकी संख्या पता है कि आ है. और ये भी साथ में मैं बताना चाह रहा हूं कि मैं उसे बारे में कुछ नहीं जानता. ये केवल संख्या आ नहीं बता रहा है, ये डिटरमाइन कर रहा है कि आई डोंट नो अबाउट दैट पर्टिकुलर नाउन विच इज यूज हियर एज अ बॉय. बॉय जैसे ही हमने कहा, अगर हमने कहा दिस इज द बॉय मींस आई एम गोइंग टू रिफर दैट वन सम पर्टिकुलर निश्चित की तरफ इशारा कर रहा है. द बॉय अब वो निश्चित है लड़का, दिस इज द बॉय. ऐसे कर दिस इज द बॉय, अब आप समझ रहे हो जिससे बोल रहे हो वो जानता है ये किसकी बात कर रहा है. तो वहां द बॉय, तो ये द और आ जो इस बॉय को डिटरमाइन कर रहे हैं कि आप उस लड़के, उस नाउन के बारे में, उस कॉमन नाउन के बारे में जानते कितना हो, केवल यह बताता है डिटरमिनर. वो उसकी विशेषता नहीं बताता. फर्क को समझिएगा मॉडिफायर और डिटरमिनर के बीच. डिटरमिनर सिर्फ इतना बताता है कि आप उस लड़के के बारे में जानते कितना हो. आप जानते हो वो एक की संख्या में है, और आप उसे जानते हो कि नहीं जानते हो, वह डिटरमाइन करता है, केवल विशेषता नहीं बताता. बात मेरी समझ में आ गई कि नहीं? हाँ,
तो जितने भी डिटरमिनर्स होते हैं, ऑल द डिटरमिनर्स आर सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स, ऑल द डिटरमिनर्स आर सम काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स। क्लियर हुई बात कि नहीं? बिल्कुल राणा भैया, रीना गंगवार, अमित यादव, महजबी फातिमा, संगीता, सीमा, इंग्लिश विद जाकिर भैया हमारे लल्ला, और पार्थ शुक्ला हैंडसम 111। क्या हैंडसम 111? अच्छा, पार्थ शुक्ला हैंडसम 111, ये है आईडी। और गुड इवनिंग हमको देना है जवाब। गुड इवनिंग भैया पार्थ हैंडसम, मेरा बच्चा बहुत हैंडसम है, नजर ना लगे बेटा, काला टीका लगाना। दिस इज अ बॉय। क्लियर हुआ कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? डिटरमिनर एक प्रकार का एडजेक्टिव होता है। अच्छा, अब थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि किस प्रकार का एडजेक्टिव होता है। जैसे हम कहें, अ गुड बॉय, अ गुड बॉय, तो अब ये जो गुड है ना, ये गुड, ये इस बॉय के बारे में उसकी विशेषता बता रहा है, कहता है अच्छा है वो। यह एक एडजेक्टिव हुआ। ये आ, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है मैं उसे नहीं जानता, जानता पर संख्या एक है, ये आ सिर्फ इतना बता रहा है कि मैं उसके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन था वो एक ही। ये गुड कह रहा है कि वो अच्छा था, तो जो कहने वाला है वो अ गुड बॉय कह रहा है, तो वो ये जानता है कि वो लड़का अच्छा है, लेकिन मैं नहीं जानता वो कौन है। बात समझ में आ गई? जैसे हम कहें आई मेट सम गुड बॉय ऑन द रोड, हु हेल्प्ड मी आउट देयर, जरा सेंटेंस देखो, डू यू थिंक द सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग? Do you think the sentence require any correction? आधा वर्जन में सरत बनो मैम, आइए मैम, जरा बताइए। I met some good boy on the road who helped me out there. आप ये मत सोचिएगा कि ये who जो है road के लिए लगा है, ना, ये who इस boy के लिए लगा है, इस boy के लिए, ठीक है ना? मैं उसे नहीं जानता, उसने मुझे मदद की, अब मैं उसको जान गया, दोबारा मिलेगा तो मैं दा लगाऊंगा, लेकिन चूंकि पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, उसका नेचर बहुत अच्छा था, वो बहुत हेल्पफुल था, मेरी तुरंत उसे उसने मेरी मदद की, तो ये सेंटेंस सही है कि गलत है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल एंड डिटरमिनर प्लीज? बिल्कुल लल्ला, सब क्लियर करके जाओगे आज की क्लास में, कुछ नहीं बचेगा बेटा। मीना हम भी आ गए अपनी आईडी से, आ रहा मेरा बच्चा मीना, आ जाओ बेटा, आ जाओ। सबके में बफ हो रहा, कहीं कोई बफ नहीं हो रहा, यहाँ झरझर झरझर चल रहा है, एकदम चरचर चरचर क्लास चल रही है, एकदम खर 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 रोज की तरह। तो आई मेट सम गुड बॉय ऑन द रोड, डू यू थिंक सेंटेंस राइट है कि रॉन्ग है? हाँ, राइट है। ये दो है, यहां पर आ का मतलब, सम का मतलब है आ, और यहां आ और ये सम, ये दोनों का मतलब है कोई एक। अब जरा ये सेंटेंस देखो, आई मेट there help me out, बेटा ये दिख रहा नीचे वाला? बिल्कुल दिख रहा होगा। अब ये वाला देखो, I met some boys there who helped me out, I met some boys there who helped me out, I met some boys there
एन अनफेमिलियर पर्सन बेटा, यही है सम का मतलब, कोई, आई डोंट नो हिम बट ही वॉज वन, दैट इज डेफिनेट। ये अब यहां कह रहा मैं कुछ लड़कों से मिला। अब यहां ये डिटरमिनर है और ये इसका मॉडिफायर है, ये सम इसको डिटरमाइन कर रहा है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है और ये भी एडजेक्टिव है। क्लियर हो गई बात? ये बात क्लियर हो गई? कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो अब जरा मैं हिमांशु भैया की बात से ही बात शुरू करूंगा, क्योंकि अब मुझे वही बताना है। ये जो डिटरमिनर्स होते हैं, ये आज क्लियर हो जाने चाहिए, बचना नहीं चाहिए बिल्कुल। इनको हम तीन ग्रुप्स में बांट ले, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ये जो ग्रुप ए होता है, इसमें पजेसिव होते हैं और आर्टिकल्स होते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं। और आप पूछते हो ना कि सर कॉपी पे नोट्स कैसे बनाए, अब नोट बनाने की बारी है आपकी, अब आपकी नोट्स बनाने की बारी है। बिल्कुल बढ़िया दिख रहा होगा, कोनो दिक्कत बा? कोनो दिक्कत नहीं, दिक्कत दे तो लिटा देना इसे, काम खत्म है। कमेंट उमेंट मत करो, ध्यान से बस देखो, बहुत ध्यान से। कमेंट पढ़ने के मेरे पास समय नहीं। गुड इवनिंग सबकी, ले लिया एक साथ, सब जने खुश रहो, बस आ जाओ। ये डेमोन्स्ट्रेटिव। तो पजेसिव जितने होते हैं वो आप जानते हो, माई, हिज, हर, Dear, your, etc. लिखने काम चल जाएगा, etc. लिखने काम चल जाएगा। ये सारे के सारे पजेसिव्स, ये भी एक प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं, ग्रुप ए में आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव कौन होते हैं? दिस, दैट, दीज, दोज, सच, है ना, सेम, ये सब क्या है? ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेटिव हो गए। व्हाइट ले लेता हूं थोड़ा। जो ग्रुप बी होता है उसमें सारे के सारे मॉडिफायर्स होते हैं। अच्छा, मॉडिफायर्स की खासियत क्या होती है? मॉडिफायर्स की खासियत ये होती है कि सबके लिए लग जाते हैं, यानी काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लग जाते हैं, यहां कोई वेरिएशन नहीं इनके अंदर। जो मॉडिफायर्स हैं ये काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए लग जाते हैं, ये इनकी खासियत है। जैसे हम कहें एनी, नो, सम, मोर, मोस्ट, ये सारे क्या हैं? ये सारे के सारे मॉडिफायर्स हैं जो सभी के लिए लग जाते हैं, अलॉट ऑफ, ये सब मॉडिफायर्स कहलाते हैं। मॉडिफायर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि केवल इनका काम मॉडिफाई करना है, उनमें कुछ वृद्धि कर देना, और वो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल, दे डोंट केयर। बता तो रहे बेटा, सब बता रहे। ये सब डिटरमिनर्स ही हैं, ये डिटरमिनर्स ही हैं। डिटरमिनर भी एक प्रकार का मॉडिफायर ही होता है। डिटरमिनर भी एक प्रकार मॉडिफायर का मतलब बेटा क्या होता है? थोड़ा सा भी कुछ आप में वृद्धि करके पहले से की अवस्था में आप प्रेजेंट किए जाएं तो आप मॉडिफाई हो गए, है ना। कोई चीज, कोई मशीन जब मॉडिफाई हो करके आती है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा लग जाता है, कहने मॉडिफाइड आई है। ये देखो, पहले जो कमी थी हल्की सी वो पूरी हो गई है, या कुछ एडिशनल इसमें लगा दिया गया है। तो ये मॉडिफायर्स होते हैं। तो डिटरमिनर भी मॉडिफायर, जब आप यूपीएससी का एग्जाम दोगे, इसका राजस्थान का, आरपीएससी का, तो उसमें ये खूब पूछे जाते हैं। तो सबके सब मॉडिफायर्स है, डिटरमिनर्स को भी मॉडिफायर्स ही कहा जाता है, क्योंकि उनका काम थोड़ा सा मॉडिफाई करना है किसी भी चीज को। आप प्रेजेंट हैं भैया? आ जाओ भैया, आ जाओ, विनीत कुमार आ जाओ।
हाँ परजेंटी लगा दो, चुप पे बैठ जाओ। समझ गए समझ गए। तो ये मॉडिफायर्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये इनहेंस करते हैं, इनमें कोई वेरिएशन नहीं रखते, ये काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए। ये भी एक प्रकार का डिटर्मिनर है, ये भी एक प्रकार की, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं, ये सारे के सारे डिटर्मिनर्स हैं, और ये सब मॉडिफाई करते हैं नाउन को। हाँ कुछ न, तो डिटर्मिनर सब। अब देखो ये आर्टिकल क्या है, ये पजेसिव क्या है, ये पजेसिव भी एडजेक्टिव है, ये आर्टिकल भी एडजेक्टिव है ना बेटा देखो। और ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एडजेक्टिव है। बोलो है कि नहीं है, बोलो है कि नहीं है। तो सब एक के है बेटा, वो कोई ना कोई एडजेक्टिव ही होगा जो किसी नाउन या नाउन के लिए लगा होगा मॉडिफायर या डिटरमिनर की तरह। अब जैसे गुड बैड है तो वो एक्स्ट्रा एडिशनल उसमें लगाते, तो मॉडिफायर्स हैं ही, वो डिटरमिनर्स नहीं है, वो डिटरमिनर्स नहीं है। लेकिन ये समटाइम्स डिटरमिनर बन जाते हैं, समटाइम्स ये मॉडिफाई करते हैं उसको, है ना। भैया आ जाओ, राकेश भैया आ जाओ, ठीक है ना, क्लियर हो रहा है। अब जो ग्रुप सी में आते हैं, ये ग्रुप सी वाले ये दो भागों में बट जाते हैं, और सब के सब एडजेक्टिव ही तो हैं ये सारे। ये देखो इंडेफिनिट एडजेक्टिव है सब, मोर मोस्ट अलॉट ऑफ नो एनी सम, ये सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव है कि नहीं है। और ये भी, ये सब इंडेफिनिट एडजेक्टिव है कि नहीं, पजेसिव एडजेक्टिव है कि नहीं है, बोलो। ये देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है कि नहीं। तो जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव है ये जब नाउन के पहले लगेंगे तो डेमोन्स्ट्रेट करेंगे उसको, डेमोन्स्ट्रेट करेंगे यानी डिटरमाइन कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रकार का डिटरमिनर ही है, लेकिन है तो एडजेक्टिव ही। हाँ बस 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 यही बात है, यही बात है। तो अब आ जाओ यहां, ये काउंटेबल के लिए अलग हो जाएंगे और ये अनकाउंटेबल के लिए अलग हो जाएंगे, यूसीएन अलग हो जाएंगे, यूसीएन के लिए अलग हो जाएंगे, और ये सीएन के लिए यानी काउंटेबल के लिए अलग हो जाएंगे। इनको हम, इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम क्वांटिटेटिव कहेंगे, क्वांटिटेटिव, और ये न्यूमरेटिव है, ये न्यूमरेटिव। तो ये जो नंबर बताएंगे, जैसे फ्यू होगा, वन होगा, सेकंड होगा, ये सब क्या है, ये सब नंबर बता रहे हैं, है ना, नंबर बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। और ये सब क्या है, यूसीएन। ये कहेंगे मच होगा, लिटिल होगा, है ना, ये सब क्या है, मच है, लिटिल है। तो ये सारे के सारे क्वांटिटेटिव है जो क्वांटिटी बताते हैं, और ये न्यूमरेटिव है जो नंबर बताते हैं। इसमें और आगे हम बढ़ेंगे तो और हमारे न्यूमरेटिव दो भागों में बट जाएंगे, एक हमारा नंबर बताएगा तो वो कार्डिनल कहलाएगा, और एक नंबर नहीं बताएगा, पोजीशन बताएगा तो वो ऑर्डिनल कहेगा। तो इसमें दो और भाग बन जाएंगे, लेकिन हैं सारे के सारे एडजेक्टिव ही। इन्हीं को हम जब ये सिंगल नाउन के पहले यूज किए जाते हैं, उसके बाद कोई मॉडिफायर होता है तो ये मॉडिफायर, जैसे आ गुड बॉय है तो ये आ गुड बॉय है, तो ये इसकी विशेषता बता रहा है तो इसको हम मॉडिफायर कह देते हैं, और ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि हम नहीं जानते हैं उसको, इसलिए डिटरमिनर हो जाता है। लेकिन एक्चुअली ये दोनों ही मॉडिफायर है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एम एम एच, ये बनेगा एम एम एच, मानी मॉडिफायर मॉडिफायर हेडवर्ड, ऐसे आता है सेंटेंस एग्जाम में आपके, है ना। जैसे हम कहें इसको कि आप इसको कैसे एग्जाम में आपके कैसे आता, तो ये आप नोट करते जा रहे हैं सब, ये सब नोट करते जा रहे हैं बेटा, कोई बफरिंग नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो अपना डेटा चेक करो, खूब व्हाट्सएप फेसबुक चलता है, क्लास के लिए समय नहीं रहता, मैं बता रहा हूं कि अभी 5 घंटे क्लास होने वाली है, तो आप अपना देख लो। हमारे पास मैसेज ये नहीं आना चाहिए कि सर जी डेटा खत्म हो गया, हमको डालना पड़ेगा। तो देखो अभी मैं ये नोट कर लिया है सबने, ये सब नोट करते चल रहे हो, हाँ फ्यू मेनी ये सब काउंटेबल काउंटेबल हो गए, सब नोट कर लिया बेटा। चलो आगे बढ़ाते हैं। आप देखो जब मैं कुछ पूछने जा रहा हूं, जैसे मैं पूछूं आ गुड बॉय, जो आपके आरपीएससी में है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं यहां से, राजस्थान का जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड टीचिंग का एग्जाम होता है, जैसे टीजीटी और पीजीटी के बराबर होता है, फर्स्ट ग्रेड होता है पीजीटी और सेकंड ग्रेड होता है टीजीटी, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि द सेंटेंस इज इन ए एम एम
एच बी एच एम एम सी एच एम एच डी नन, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ऑर्डर बताना है। बताइए जरा, कुछ क्वेश्चंस करते हैं आरपीएससी के इसी पर आधारित होते हैं बिल्कुल। अब जरा बताओ इसको कैसे करेंगे, ये क्या है, कौन सा ऑप्शन है, आप गुड बॉय कौन से ऑप्शन में आएगा, ये किस ऑप्शन में आएगा, गुड इवनिंग बेटा किशनवीर, नहीं मनोज यादव, किशनवीर ए आएगा है ना बेटा, हाँ देखो ये मॉडिफायर मॉडिफायर एच ये ए हो जाएगा। अब जरा ये सेंटेंस देखो, ए इसका बताओ, ये सेंटेंस का जो ये फ्रेज है ये किस किस कैटेगरी में आएगा, किस में आएगा, चलो इसको बताओ ये किसमें है, मॉडिफायर हेडवर्ड और फिर से मॉडिफायर, हाँ तो ये देखो ये क्या है, ये कैसा फ्रेज है, ये इसकी विशेषता बता रहा है और ये इसको डिटरमाइन कर रहा है, तो ये भी मॉडिफायर हो गया और ये भी मॉडिफायर हो गया, समझ गए बात को, ऐसे। अब देखो ये क्या है, ये एक कौन सा फ्रेज है, ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, चलो बताओ आंसर दो बेटा, ये विद स्टिक विद स्टिक विद स्टिक ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, चलिए बताइए जवाब दीजिए फटाफट, ये नाउन फ्रेज है या एडजेक्टिव फ्रेज है, हाँ ये एडजेक्टिव फ्रेज है क्योंकि ये लगा किसके लिए है, नाउन के लिए, बस ऐसे ही दिमाग को बिल्कुल ओपन रखना है एकदम जबरदस्त तरीके से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए तो आपकी समझ में आ गया डिटरमिनर क्या होता है, डिटरमिनर क्या होता है आपकी समझ में आ गया बिल्कुल अच्छे से, चलो अब आ जाओ जरा। अब देखिए मैंने लिखा क्या है आपके लिए, जो आपके नोट्स में मैंने आपको नोट्स दिए हैं, चीजें तो मैंने समझा दी आमने सामने, मैंने वो नोट्स जो आपके लिए दिए हैं वो ये हैं, आपको जो नोट्स मिले हैं उसमें क्या लिखा है मैंने, डिटरमिनर किसी नाउन को डिटरमाइन करता है और ठीक उसके पहले लगता है, या खास तौर से कॉमन नाउन को डिटरमाइन करता है और किसी नाउन के बारे में हमारी जानकारी की सूचना देता है, अर्थात हम उस नाउन को कितना जानते हैं यह बताता है, वह नाउन कोई जनरल है या निश्चित, डिटरमिनर का प्रयोग किसी भी नाउन को कॉमन बना सकता है भले ही वो नाउन प्रॉपर हो। अब इसमें खास बात देखिए, अगर कोई प्रॉपर नाउन है और उसके पहले भी हम डिटरमिनर का यूज कर लें तो वह सिंपली कॉमन में तब्दील हो जाता है, ये चीज आगे बता देंगे अगर अन नहीं समझ पाए तो, भले ही वो प्रॉपर हो, डिटरमिनर एक प्रकार के एडजेक्टिव ही है, डिटरमिनर आर्टिकल्स ए एंड द के अलावा कई संख्या और मात्रा बताने वाले एडजेक्टिव सम एनी ऑल लिटिल लेस फ्यू आदि के रूप में नाउन के पहले प्रयोग होते हैं। और हाँ एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में कहीं कोई डिटरमिनर लगा है तो उसके बाद का नाउन जरूर होना चाहिए, और अगर कहीं कोई कॉमन नाउन लगा है तो उसका डिटरमिनर जरूर होना चाहिए, अर्थात किसी भी कॉमन नाउन को बिना डिटरमिनर के प्रयोग नहीं करेंगे वरना उसका अर्थ बदल जाएगा, इसकी विस्तृत बातचीत हम लोग आगे करेंगे। अब इंट्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ वर्ब,
अब वर्ब को जितने लोग दोहरा चुके थे वो एक बार फिर से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप फाइनाइट, नॉन फाइनाइट और ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव, इनमें एक अगर कंफ्यूजन आपके दिमाग में अभी है तो एक बार फिर से ये चीजें आपको पढ़नी है। वर्ब सर्वाधिक विशाल शब्द है, यह अकेले एक पार्ट ऑफ स्पीच है जो किसी भी एग्जाम के 60% प्रश्नों को कवर करती है। चूंकि हम यहां वर्ब का केवल इंट्रोडक्शन प्राप्त कर रहे हैं इसलिए हम सिर्फ वही करेंगे। तो एक बात तो आप पहले समझ लो कि वर्ब का मतलब तो क्रिया ही होता है, लेकिन क्रिया का अर्थ एक्शन नहीं होता। यानी किसी भी वाक्य में क्रिया होने का मतलब यह नहीं है कि उसमें एक्शन भी हो। जैसे ही इज प्लेइंग, वह खेल रहा है, इस वाक्य में इज प्लेइंग क्रमशः हेल्पिंग तथा मेन वर्ब्स हैं, और यहां प्लेइंग एक एक्शन है जिसमें इज मदद कर रहा है। क्लियर हो गई बात। ही इज अ प्लेयर, इस सेंटेंस में वह खिलाड़ी है कहा जा रहा है, और इज एक मेन वर्ब है, और यहां इज कोई एक्शन नहीं कर रहा, यह केवल इतना बता रहा है कि सब्जेक्ट कौन है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन यानी परिचय दे रहा है। वो का काम सिर्फ सब्जेक्ट के बारे में यहां बताना है, किसी भी एक्शन की चर्चा यहां नहीं कर रहा। ही हैज अ बैट, उसके पास एक बैट है, यहां हैज एक मेन वर्ब है और यहां भी हैज कोई एक्शन नहीं कर रहा है, हैज यहां सिर्फ सब्जेक्ट के पजेशन में क्या है ये बता रहा है। तो इस तरह के प्रयोग का आधार पर वर्ब को मुख्य तीन भागों में बांट सकते हैं। डू वर्ब जिसका मतलब होता है करना, बी वर्ब जिसका मतलब होता है होना, और सी वर्ब जिसका मतलब होता है रखना। यानी तीन ही केवल बेस फॉर्म्स हैं हमारी वर्ब की, बी, हैव और डू। ये पूरी चीजें क्लियर हो तो इनको ना पढ़ाऊं मैं, आगे बढ़ जाऊं, और अगर चाहो तो इनको मैं फिर से दोहरा दूं एक बार। बोलो बच्चा, आपके नोट्स के जरिए आप इनको समझ लो। एक बार दो बार समझा, दो बार समझा चुके हैं पूरा। अगर नोट्स के सहारे इनको आप समझ लो तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मुझे क्या, मेरा तो वही काम है, मैं फिर से करना शुरू कर दूंगा। हाँ, करना, होना और रखना, बिल्कुल पजेशन में दिखाना, यही तीन चीजें। क्वालिफायर क्वालिटी बताता है और वह वर्ब, एडवर्ब और एडजेक्टिव के लिए लगता है। मॉडिफायर उसमें इनहेंस करता है कुछ, और यह नाउन के लिए यूज किया जाता है, प्रोनाउन के लिए यूज किया जाता है, और यह स्वयं में एडजेक्टिव होता है। क्वालिफायर्स एडवर्ब्स होते हैं, यह मैं पहले भी बता चुका हूं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बिल्कुल 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 मैं पढ़ा दूंगा, बिल्कुल। मैं अपने ही तरीके से पढ़ाऊंगा, तुम अपना देख लेना उसमें क्या लिखा है। है ना, मैं देख देख के पढ़ता हूं तो मैं पढ़ते पढ़ते थक जाता हूं, मुझे मजा नहीं आता है, फिर मैं लिख के पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैं अपने स्टाइल में पढ़ाऊंगा, नोट्स अपना देख लेना तुम। बोलो, ठीक है, दोहरा दी जाए, दोहरा दी जाए, चलो दोहरा दी जाएगी, चलो ठीक है बेटा। देखो, जो हमारी वर्ब है तो पहले तो सिर्फ ये समझो कि हर वर्ब जैसे दिखने वाला वर्ड वर्ब नहीं होता। हम जब भी वर्ब की बात करेंगे तुरंत हमारा उस वर्ब की तरह इशारा होगा जिसके तुरंत पहले एक नाउन प्रोनाउन यानी सब्जेक्ट दिया होगा। यानी हर एक वर्ब जो वर्ब जैसी दिखेगी और उसके पहले एक नाउन प्रोनाउन भी होगा वही केवल क्रिया कहलाएगी। अगर उसके पहले कहीं नाउन प्रोनाउन नहीं है तो वह एक्चुअली क्रिया जैसी केवल दिख रही है, वह क्रिया ही नहीं है, वह कोई और पार्ट ऑफ स्पीच हो सकती है। ऐसा आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। तो यहां पर जितनी भी प्रकार की हम वर्ब्स की बातें करने जा रहे हैं वो उन वर्ब्स की बातें करने जा रहे हैं जिनके पहले सब्जेक्ट लगा होता है, और उनको हम फाइनाइट वर्ब्स कहते हैं। यानी जब हम वर्ब की बात करेंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि सर फाइनाइट वर्ब की बात कर रहे हैं। हाँ
इतनी भयंकर बदबू है यहाँ फैली, दम घुट रहा है यहाँ। हाँ, हम अपने स्टाइल में पढ़ाएंगे। तो क्रिया समझ में आ गई। वर्ब, जब भी हम वर्ब की बात करेंगे इसका मतलब हम उस वर्ब की बात कर रहे हैं जिसके पहले सब्जेक्ट लगा है, और वह कोई नाउन प्रोनाउन ही होता है, ये आप जानते हो, ठीक है। अब ये वाली वर्ब ये तीन प्रकार की होती है, केवल तीन ही होती है। इनको हम प्राइमरी वर्ब्स कहते हैं। ये हैं क्या, जो फाइनाइट वर्ब्स यहां पर हम पढ़ाने जा रहे हैं, ये तीन, ये प्राइमरी वर्ब्स कहलाती है। अब ये प्राइमरी वर्ब्स तीन होती हैं, एक होती है टू बी और ये बेस फॉर्म है, फिर होती है टू डू, ये भी बेस फॉर्म है, और फिर होती है टू हैव और ये भी बेस फॉर्म है। तो बेसिक जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो सिर्फ तीन होती हैं, टू बी, टू डू और टू हैव। जितने भी एक्शन, जितने भी पजेशन और जितने भी इंट्रोडक्शन है वह सब इन्हीं के अंतर्गत आके बता दिए जाते हैं। जितने भी टेंस हम फॉन्ट करते हैं वो सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अब ये तीनों जो वर्ब्स हैं हमारी, ये बेस फॉर्म है, ये बेसिक वर्ब्स हैं तीन। अब इनके फॉर्मेट होते हैं, बनते हैं, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म भी होती है, सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी होती है। इस थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। थर्ड फॉर्म को ही हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं। जब वह किसी नाउन के पहले लगता है तो वह पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बन जाता है। वैसे भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को ही पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो जो हमारी टू बी है इसकी फर्स्ट फॉर्म तीन होती है, इज होती है, आई एम होती है और आर होती है। इसकी जो सेकेंड फॉर्म होती है वह वाज होती है और वर होती है। जो थर्ड फॉर्म इसकी होती है वो होती है बीन। बात क्लियर हो गई, सब दिख रहा है बेटा? ये लड़के, हेलो, हाँ जी, और क्या लग रहा है आपको, 6 से 8 क्लास नहीं चलती हमेशा? अच्छा, आ जाओ बेटा क्लास में, आ जाओ, फिर बात करेंगे बाद में, ठीक है? आ जाओ क्लास में, आ जाओ माँ, जल्दी एडमिशन ले लो, काम खत्म हो जाए, आ जाओ बेटिया। पहले पढ़ लो, अभी पढ़ लो, थोड़ा सा पढ़ लो मेरे लल्ला। तो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, अब इन्हीं के सहारे सारे टेंसेस का निर्माण होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है और इसी को प्रेजेंट सिंपल भी कहा जाता है। ये प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट दोनों के नाम से जाना जाता है। यानी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की, यानी होने की, तीन होती हैं, इज, एम और आर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये यूज की जाती हैं। ये वाज वर ये वाली, ये पास्ट इंडेफिनिट है, यानी पास्ट सिंपल, इसी को हम पास्ट सिंपल कहते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसी को हम पास्ट सिंपल भी कहते हैं। और ये जो बीन है ये परफेक्ट होती है, ये क्या होती है, ये परफेक्ट होती है। जब कोई काम आप प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में करोगे तो आप बीन का यूज करोगे, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज करोगे। तो अगर वो एक्शन में होगी तो ये आ जाएगी,
परफेक्शन में होगी तो इसके साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ये सब क्रम से अभी आपको समझाता हूं मैं। तो ये तीनों टेंसेस आपके क्लियर हो गए। अब आ जाइए टू डू पर। ये जो टू डू है ये इसी तरह से तीन फॉर्म इसकी भी बन जाएंगी नहीं बन जाएंगी, आप क्या ऐसे ऐसे बना ले। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म टू डू की डू होती है और डज होती है, और सेकंड फॉर्म इसकी डिड होती है। अब देखिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये डू का प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट, ये एक्शन का पास्ट इंडेफिनिट है, ये नॉन एक्शन का पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर हो रही बात के नहीं? ऑफलाइन नहीं पढ़ाते हैं भाई, अरे ऐसे का बढ़िया नहीं पढ़ाते हैं यार, तुमको ऑफलाइन जैसा मजा नहीं आ रहा। अच्छा बताओ, जो तुमको कहना वो कहने लिए हम सुन लिए, जवाब भी दे दिए, तुमसे बतिया रहे हैं मीठे मीठे मुस्कुरा मुस्कुरा के, और का चाहे तू का फिर कौन का, अरे नालायक तो का पता नहीं है, 6 से 8 में क्लास चला था भैया, दीदिया ना फोन किया। हाय कौन हो ये दीदी, कौन दीदी है? देखा 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 देखा, क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड फॉर्म, अब ये थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, इसका आ गया पास्ट पार्टिसिपल, तो पास्ट पार्टिसिपल इसका क्या होगा, डन होगा, ये डन होगा। तो ये थोड़ी मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो ये है, या अकेली थोड़ी यूज होगी, तो नए पास्ट पार्टिसिपल है, या अकेली यूज नहीं होगी, या तो इजैमआर के साथ आएगी या तो वाजवर के साथ आएगी। हाँ बेटा यही बात है। तो ये हो गई तीनों। अब यहां जाओ, इसकी भी तीनों फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म होगी तो फर्स्ट फॉर्म इसकी क्या इंडेफिनिट की क्या होगी, हैज और हैव, ये देखो, और सेकंड फॉर्म इसकी क्या होगी, हैड, थर्ड फॉर्म इसकी क्या होगी बोलो, हैड। तो ये जो ये है, ये और ये पास्ट पार्टिसिपल्स, और एक एक और इसमें होती है, इसमें पास्ट पार्टिसिपल है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बेस फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनता है, यानी आईएनजी फॉर्म जो बनती है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगती है, बेस फॉर्म लगती है, बेस फॉर्म में लगती है। तो इजिंग कहां फर्स्ट फॉर्म में लगा पाओगे, तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, ये बीइंग हो गई, और इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या हो गया, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल डूइंग हो गया। अब यहां डूइंग फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है कि बेस फॉर्म में लगी है, तो कहो बेस फॉर्म में लगी है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कभी नहीं लगती है, फर्स्ट फॉर्म में बहुत क्वाइट लग रहे हैं, क्वाइट हम रोजे लगते हैं। अब वो कूदे क्या बंदर की तरह, समझो ना, सीरियस मामला फंसा हुआ है, समझ लो बेटा, देखो कितना बढ़िया हम डिस्कशन चल रहा है, तुम जो है, हाँ बेस फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इसका बेस फॉर्म होगा तो क्या होगा, हैविंग हो जाएगी। तो ये और ये जितनी गोले में है ये अकेली नहीं यूज होती है, हाँ ये अकेली नहीं यूज होती है, तो ये एक्चुअली सहायक वर्ब है, किसी दूसरे के साथ यूज होती है, वास्तव में केवल इतनी है। देखो अलग तरीके से गोला खींचे, अलग कलर से गोला खींचे, इस कलर से देखो, 3, 2, 5, 5, 5, 5, 5, 3, 2, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10 और 1, 11। तो कुल अगर हम कहें, अब देखो इसमें कितनी हमने की, कुल बेसिक वर्ब्स कितनी होती है, टोटल बेसिक वर्ब्स कितनी होती है, बेसिक में प्राइमरी कितनी होती है, जो हमारी बेसिक वर्ब्स हैं, जो प्राइमरी वर्ब्स हैं वो कितनी होती है, हाउ मेनी, जरा बताओ, उत्तर दो, ऑप्शन दे हम, ए 11, बी 12, सी 13, डी 18, दिख तो है, चलो बताओ टोटल बेसिक वर्ब्स की संख्या बताओ, टोटल बेसिक वर्ब्स की संख्या बताओ,
हाँ केवल 11 होती हैं, तो जितने हमने गोलेम बंद किए हैं वही बेसिक वोप्स हैं। ये सब अकेली नहीं यूज होती हैं, ये पार्टिसिपल्स होती हैं, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होते हैं। बिल्कुल क्लियर हो रहा है भैया योगाचार्य जी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है? देखो आपको क्लियर होने होना, क्योंकि आप लोग दसियों साल, कोई कुछ लोग तो 10-10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं। अरे यार उनको हम का खा के अंग्रेजी ग्रामर पढ़ाएंगे यार, मुझे तो पता नहीं कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है ना? आप पता नहीं कैसे आप पढ़ रहे हो, ठीक है ना? और आपको पढ़ा क्या रहा हूँ बेसिक तो ये मेरे लिए शर्म की बात है कि मेरे लिए गर्व की बात है, आपके लिए शर्म की बात है क्यों बताओ जरा बेसिक ABCD पढ़ा रहे हैं आपको, और आप 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, तो किसके लिए शर्म की बात है हाँ मॉडल 13 होती है और ये 11 होती है, ठीक है ना? क्लियर हो गई बातें? तो जरा अब हम कुछ सेंटेंसेस पूछने जा रहे हैं आपसे, और उसके हम टेंसेस पूछेंगे, और आप उनका टेंस का सही बताइएगा कि कौन सा टेंस है, ठीक है? गोला तो 12 है, अरे 12 नहीं है, 3 2 5, 1 6 2 8 2 10 और 1 11, 12 कैसे है बेटा तेरा गर्व की बात है, तुम्हारे लिए क्या बात है, तुम्हारे लिए शर्म की बात है कि बेसिक पढ़ रहे हो और 10 साल से तुम पढ़ा का रहे थे लड़कों को, ये बताओ हमको। यही मैं पढ़ा रहा हूँ 9th वाली क्लास में, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ 9th वाले अपने बच्चों को, 9th और 10th वाले बच्चों को मैं इसी तरह पढ़ाता हूँ करे प्रतिभा चौरसिया, हमारे लिए शर्म की बात है सभी के लिए, नहीं बेटा नहीं नहीं ऐसा नहीं है, शर्म की बात नहीं है। अब चलो मैं सेंटेंसेस देता हूं, मैं दे रहा हूं, ही हैड अ काउ, इस सेंटेंस का टेंस बताना है, ही हैड अ काउ, इस सेंटेंस का टेंस बताना है ना बेटा, कोई शर्म किसी के लिए भी शर्म, मैं तो मजाक करने वाला बंदा हूं, तुम्हारे साथ तफरी करता हूं, ये मजाक की बात नहीं है, बिल्कुल शर्म की बात नहीं है बेटा, ना 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 ना, हमारे लिए एक्चुअली गर्म की बात, गर्व की बात है। मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, 3rd में पढ़ता है, अच्छा 3rd वाले को पढ़ा रहे हैं बढ़िया है बेटा, पास्ट इंडेफिनिट पूजा श्रीवास्तव ने कहा है, मामू बना रहे हैं मामू बना रहे हैं, पहले क्यों नहीं मिले? अरे हम तो मिल गए बेटा आपको, आपको तो हम मिल गए यार, इसकी बैटरी खत्म हो रही है और हम चार्जर लगाना भूल गए थे, बहुत यार हम लापरवाह हैं, क्या बताएं हम। चार्जर लगा दें बेटा, नहीं चला जाएगा तो फिर आफत हो जाएगी। चलो भाई देखिए, पास्ट परफेक्ट का भी उत्तर आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट का भी उत्तर आ रहा है, ज्यादातर लोगों ने पास्ट इंडेफिनिट लगाया है, के सिंह ने पास्ट परफेक्ट कहा है। अरे बाप रे, बड़ी आफत है। हेलो विश्वासनी, नहीं मेरा नाम विश्वानी है मैम, मैं लाइव हूं क्लास में अभी, प्लीज कर लीजिएगा 8 बजे कॉल आप, ठीक है मैम? हाँ क्लास चल रही, क्लास में आ जाइए यार, मेरा नाम क्या बहुत कठिन है, विश्वासी क्लासेस कौन सी होती है विश्वानी थोड़ा नाम कठिन है मेरा, पास्ट जब आगे तभी, बेटा बेटा समझो, पास्ट टेंस ना बताओ हमको, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये सिंपल पास्ट जिसको कहते हैं, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, पास्ट इंडेफिनिट का है, और इसी को हम पास्ट सिंपल कहते हैं, पास्ट सिंपल कहते हैं, सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनिट एक ही बात होती है। यहां पर देखिए सेकंड फॉर्म लगी हुई है, ये बिटिया हमारी, हमको लग रहा है ज्यादा पुरानी नहीं है हमारी बिटिया, अब तो इसलिए ज्यादा नहीं, अब जान जाएंगे, रट जाएगा बिस्वानी बिस्वानी, इनको भूलेगा नहीं जिंदगी भर बिस्वानी नाम, अब नाम बिगाड़ दिया हमारा। हाँ बेटा सही बात है प्रिया गौतम, तो ही हैड, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब जरा ये सेंटेंस बताओ,
अब जरा ये सेंटेंस बताओ किस टेंस का है। Long time. She had been known to them for a long time. Tense बताना है बेटा आपको। बिस्वानी क्लासेस विश्वास करने वाला। अच्छा ठीक है बेटा, थैंक यू बस ईश्वर मुझे इतनी ताकत दे कि मैं आपके विश्वास को खरा उतर के दिखाऊं और दिखाऊंगा मैं, ये वादा है आपसे। सरकारी नौकरी छोड़ के कहां भाग जाएंगे भाई कहां भाग जाएंगे। ये देखिए पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, आप कंटिन्यूअस की तरफ क्यों जाते हैं जब वो कंटिन्यूअस का आईएनजी फॉर्म नहीं है तो कंटिन्यूअस क्यों बता रहे हैं आप। देखो बेटा ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब और ये है हमारी मेन वर्ब। हैड और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है किस टेंस में, बीन। ये बीन कौन सी फॉर्म है बेटा, बीन तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है बी की, तो ये तो थर्ड फॉर्म हो गई। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म किस में लगती है, पास्ट परफेक्ट में लगती है। अब जरा एक सेंटेंस और देखो, बस आखिरी पूछेंगे इसके बाद नहीं पूछेंगे। ये कौन सा टेंस है, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ये कौन सा टेंस है। हाँ वो पास्ट परफेक्ट ही था, बोलो बेटा आई एम अ टीचर। कमाल कर दिया, लाइक करो सब। देखो सही बात है, 95-99 बच्चे चल रहे हैं, 98 और जो है लाइक 79, कमाल कर दिया, बिल्कुल सही कह रहा है वो, कमाल कर दिया बिल्कुल। जमे देख रहे हैं बेशर्मों की तरह और लाइको नहीं कर सकते, मारे खाओगे बस धन्य है बिल्कुल कमाल कर दिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट। अच्छा मैं ऑप्शंस देता हूं, ए सिंपल प्रेजेंट, सिंपल नहीं मैं ऑप्शन देता हूं आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट, बी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सी प्रेजेंट परफेक्ट, डी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस आप क्या करोगे, अब ऑप्शन बताइए, ऑप्शन में बताइए इसको बेटा, अब ऑप्शन में बताइए आप जरा बताओ। ये देखो दीपक शर्मा ने बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैंने ऑप्शन दिया, आप ऑप्शन सुनिए, हमने जो ऑप्शन नहीं दिया उसको क्यों बता रहे हो आप, आप केवल वो बताओ जो हमने ऑप्शन दिया। लड़खड़ा गया मामला, लड़खड़ा गया मामला। लॉक किया जाए, ए लॉक कर दिया मैंने। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म इंडेफिनिट होती है। ये देखो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये,
जरा ये सेंटेंस देखो, आई हैव अ कार, टेंस बोलो इसका, टेंस बोलो इसका, टेंस बोलो, आई हैव अ कार का टेंस बोलो। आई हैव अ कार का टेंस, यही है तुम्हारे एग्जाम का स्तर, बिल्कुल यही स्तर है आपके एग्जाम का। हाँ, ये सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये सिंपल बराबर इंडेफिनिट प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल इंडेफिनिट एक के हैं। मैं जाता हूं, मिलता हूं, ठीक है? अभी आ रहा है क्लास लेके, एमसीक्यूज हैं, लास्ट क्लास होने वाली, रॉबर्ट ब्राउनिंग आज खत्म हो जाएंगे और कल से ये दोनों क्लासेस पैक हो रही हैं, ठीक है ना? ये पैक हो जाएंगी, 6 से 8 वाला ये बैच भी पैक हो जाएगा और काम हमारा आगे बढ़ जाएगा। और बाकी प्रैक्टिस सुबह वाली जो 7 वाली क्लास है वो अनवरत चलती रहेगी। जो 7 बजे ना देख पाए वो बाद में देख लें, अपना नोट्स भी बनाने होते हैं, शाम को रिवाइज करिए। और अभी एक प्रैक्टिस की क्लास और चालू होगी, वो आपसे समय पूछा जाएगा कि 5 बजे रखें या 9 बजे रखें, वो आपसे हम पूछेंगे, पूछकर फिर शुरू करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस की एक क्लास जरूर चलाएंगे, ठीक है? अगर किसी को एडमिशन अभी चाहिए तो 7023030918 ये है हमारा नंबर, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। बैच LT का चल रहा है, जिसकी आज आखिरी डेमो था, अब इसके बाद डेमोज नहीं होंगे और ये क्लास कल बंद हो जाएगी। पैक मतलब बस शुरू हो जाएगी अब, ठीक है? पैक मतलब अब बंद हो जाएगी, ओपन चलना। अब ये पेड बन गई है ना, तो डेमो क्लासेस चल रही थी वो आज खत्म हो गई है। कुछ मुन्ना ने डिसलाइक किया, अरे डिसलाइक तो करेगा ही, वो क्या करेगा। हाँ, तो 9 बजे एक और चालू हो जाएगी जो फ्री चलेगी, ये क्लासेस बंद हो जाएंगी। फी के लिए आप इस पे मैसेज करें और सारी चीजें आपको, हाँ, पेड की अलग होगी, यही पेड है, ये पेड है इसलिए बंद हो जाएगी। हाँ, ये दोनों क्लासेस जो 6 से 7 और 7 से 8 जो चलती हैं, ये दोनों बंद हो जाएंगी, यानी पेड बन जाएंगी। अब यहाँ ओपन चलना बंद हो जाएंगी, ये मतलब कहने का, ठीक है? तो देखेंगे, बस 1-2 दिन में चालू हो जाएंगी वो क्लासेस रिवीजन की। तो चलते हैं, मिलते हैं अभी, थैंक यू। विश्वानी क्लासेस में मैं विश्वानी स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का। जितनी प्रॉब्लम्स आपको ऐप के चलाने में आ रही है और टेंशन मुझे दे रहे हैं, उन टेंशन को रिलीव करने के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ छोटा सा। आपको समझना है कि कैसे ऐप को डाउनलोड करके, इंस्टॉल करके लॉग इन करना है। सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, जब भी आप ये सब बैचेज हैं जो चल रहे हैं, सबसे पहले ये आपका होम स्क्रीन है। इसके बाद आप आएंगे तो इंस्टॉल करेंगे ए बिस्वानी क्लासेस, यहाँ पर देखिए लिखा है ए बिस्वानी क्लासेस। आपको बिस्वानी क्लासेस नाम से 2 ऐप और मिलेंगे, उनको बिल्कुल टच नहीं करना है। ए बिस्वानी क्लासेस जिसमें लिखा हो लाइव लर्न, 5 रेटिंग्स दी है, आप रेटिंग भी उनको देंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद जब आएंगे तो आपका इंटरफेस जो खुल कर आएगा वो होगा रजिस्टर और लॉग इन का। तो आप जब सबसे पहली बार आ रहे हैं तो यहां पर रजिस्टर करेंगे, तब यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहली बार जब आएंगे तो यहां पर आप रजिस्टर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे बेटा, रजिस्टर करेंगे अपने आप को। कहीं भी जानते हैं तो आप रजिस्ट्री करते हैं, पहले रजिस्ट्रेशन होता है आपका, तो आपका यहां रजिस्ट्रेशन होगा। और जब दूसरी बार आएंगे तब लॉग इन करेंगे, फर्स्ट टाइम में रजिस्टर करेंगे और दूसरी बार में लॉग इन करेंगे, क्लियर है ना? ठीक है, जो मेल आईडी और फोन नंबर और जो जो, जो इन, वो बनाओगे आप है, इसमें आप रजिस्ट्रेशन में ईमेल आईडी वगैरह लगाओगे, कैसे लगाओगे ये है देखो। यहां पर आपको अपना नाम डालना है, यूजर नेम आपका जो भी होगा, जो नाम है आपका, यहाँ पे फोन नंबर आएगा आपका, ये ईमेल एड्रेस आएगा आपका, अब फिर यूजर नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, जो आपको ऐप में शो होगा, आप वही नाम रख सकते हैं जो आपका नाम है। और यहाँ पे आप पासवर्ड डालेंगे, ये रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे
आपकी बात बता रहे हैं, या पासवर्ड डालोगे आप, और वो पासवर्ड आपका नेक्स्ट टाइम जब आओगे लॉगिन करने के लिए तब काम आएगा, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या है, ये रजिस्टर करने का है ना, स्टेट। हाँ ये इसके नीचे है, यहां तक आ गए तो इसके नीचे ये स्टेट है, फिर स्टेट आप अपने यहां से चुनोगे कौन सी स्टेट में आप रहते हो, चुनोगे तो उत्तर प्रदेश चुनना है, फिर एग्री करोगे यहां पर टर्म्स एंड कंडीशंस से, और फिर अपने आप को रजिस्टर कर दोगे। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो आप ईमेल आईडी आपकी, पासवर्ड आपका जो आपने बनाया था यहां पर, जो भी पासवर्ड बनाया था आपने, ये वाला पासवर्ड ये आप अपने पास लिख लीजिए। हाँ, चाहे यहां फोन नंबर डालो और चाहे ईमेल आईडी डालो, कुछ भी डाल करके पासवर्ड डालोगे और आपका उसे पासवर्ड आप रिसेट भी कर सकते हो यहां से, और फिर लॉग इन कर दोगे आप। और फिर आप जब पहुंचोगे आगे, तो आगे आपको कुछ इस तरह के इंटरफेसेस में, सबसे पहला इंटरफेस आपको मिलेगा यहां, इसमें मैं मिलूंगा और आपको ये मतलब की चीज है, अगर आप पेड बच्चे हैं हमारे और आपने पेड बैच हमारा ले रखा है तो इसको जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुलकर आ जाएगा। ये खुलकर तो तब भी आएगा जब आप पेड नहीं हो, लेकिन आगे आपको कोर्स यहाँ व्यू के बजाय आपको दिखेगा, क्या दिखेगा आपको, दिखेगा बाय कोर्स, यहाँ पे दिखेगा बाय कोर्स, बाय लिखा होगा, यहाँ भी बाय लिखा होगा, पीजीटी पीजीटी एल्टीग्रेड कॉम्बो बैच है ये, न्यू बैच, ठीक है ना। तो यहाँ पर व्यू इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये पेड बच्चा है, ठीक है ना, विकास का है ये, हेलो विकास कुमार, विकास की आईडी है तो ये पेड है, इसलिए यहाँ पर व्यू दिखा रहा है आपको। ये बाय दिखाएगा अगर आप पेड नहीं है तो। फ्री कोर्स आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं, डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप फ्री कोर्स में जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में कुछ भी नहीं डाला है, पेड कोर्स में ही आपका पीडीएफ भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, अंदर ही है सब कुछ, बाहर कुछ भी वहां फ्री नहीं है, यानी सब आपके लिए एक्सक्लूसिवली बनाया गया है। फिर आप यहाँ कैटेगरी में आओगे, टीचिंग एग्जाम्स पे चेक करोगे क्योंकि आप टीचिंग एग्जाम में हो, इसी कैटेगरी के अंतर्गत ये कोर्सेस है, ठीक है ना। अब इसके बाद जब आओगे तो आपको ये इंटरफेस मिलेगा, जब आप इसको व्यू पे जाओगे आरपीएससी में, या आरपीएससी अभी नहीं चल रहा है, इसके कोर्स अभी नहीं चल रहा है, ये जो एलटीटीजीटी पीजीटी का है इसको आप जब क्लिक करोगे तो ये खुल करके आ जाएगा। लाइव क्लासेस होंगी उसमें, रिकॉर्डेड होंगी, ये रिकॉर्डेड वही है जो लाइव ही थी, लाइव के बाद ये रिकॉर्डेड हो जाती है जब 2 घंटा बीत जाता है, 2 घंटे बाद लाइव वाली क्लास रिकॉर्डेड में दिखाई देने लगती है। तो शेड्यूल आपका है वो यहाँ दिखाई पड़ेगा, देखो क्लास लगी है लेक्चर फर्स्ट इंग्लिश लिटरेचर विलियम जे लॉन्ग, ये लगा है यहाँ पे, देखो लिटरेचर 12 हैमलेट ग्रेट ट्रेजेडीज, ये लगे। तो ये लाइव क्लासेस के शेड्यूल जो यूट्यूब पे चलने वाले हैं वो यहाँ मिलेंगे, और आपके जो ऐप पे चलने वाले वो भी यहीं पर मिलेंगे सारी क्लासेस, ये दोनों क्लासेस ऐप पर लगी हुई है और ये ऐप पर चले। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे आप, तो जब आप पेड कोर्स में आ गए तो ये इंटरफेस आपको मिलेगा, है ना? और इसमें जब आओगे तो आप इंग्लिश को क्लिक करोगे, इंग्लिश को जैसे क्लिक करोगे तो तुरंत इंग्लिश के सारे चैप्टर्स, ये देखो सारे, ये दोनों नीचे तक है, ये है ना, टेंस है, नॉर्मल लेविस है, वोकैबुलरी लिटरेरी टर्म्स है, प्रपोजिशंस है, फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है ना, और इंग्लिश लैंग्वेज है, और डिटरमिनर एडजेक्टिव जो कि अभी चैप्टर चल रहा है, देखो फंडामेंटल्स है ना, ये पीडीएफ यहाँ पे सारा पीडीएफ है, जितने भी चैप्टर्स पढ़ाए गए हैं वो सारा पीडीएफ यहाँ पर पड़ा हुआ है, और आप यहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके लिए आपको टेलीग्राम पर चैनल बनाया गया, उसमें डाले गए हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड नहीं कर सकते कोई भी चीज, ना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। टीजीटी इंग्लिश लिटरेचर जिसमें शेक्सपियर चल रहा है इस समय, और टीजीटी लिटरेरी थियरी, इसमें भी वीडियोज है, तो सब ये आपको देखना है, हो गया, समझ गए आप। और अब मैं थैंक यू बोलूंगा आपको, अगर कोई फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वही नंबर घुमाना है 7023030918। 3999 रुपए फी है, और ये सभी कोर्सेस की फी अप टू सिलेक्शन। डाउनलोड द ऐप बिस्वानी क्लासेस, ए बिस्वानी क्लासेस, एंड रजिस्टर योरसेल्फ एंड देन स्टार्ट एंजॉयिंग एंड लर्निंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर, थैंक यू।